अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और खूब मजे में होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू ट्राई आउट अ न्यू रेसिपी रिक्रिएशन। हम एस्प्रेसो जाएंगे। एस्प्रेसो का अगर आपको नहीं पता तो मैं बताती चलूँ, इट इज़ अ वेरी फेमस कैफे इन लाहौर, जो पहले कराची में होता था और अभी भी है, और वहाँ से अब लाहौर आया है। आए हुए इसको काफ़ी साल हो गए हैं, बट कोरोना की वजह से इनकी डाइनिंग और बाकी रेस्टोरेंट्स की भी डाइनिंग सारी बंद है। सो वी आर गोइंग टू गो गेट अ टेक अवे एंड देन वी आर गोइंग टू मेक दैट सेम फ्राइड चिकन स्ट्रिप्स इन माई किचन। सो फ्रेंड्स, यू मस्ट बी मिसिंग एस्प्रेसो चिकन फ्राइड स्ट्रिप्स, क्योंकि एस्प्रेसो तो बंद हो गया है और इट्स स्टिल इन कराची, बट फॉर लाहौर पीपल हेयर इज़ द रेसिपी। आपको चाहिए 1 kg चिकन ब्रेस्ट, पतला सा कटा हुआ, इस तरह से ले लें। जितना पतला होगा उतना ही क्रिस्प बनेगा, बट नॉट टू थिन। इसके साथ आपको फॉर द बैटर चाहिए 2 कप मैदा, 2 cups पैनको ब्रेड क्रम्स। पैनको ब्रेड क्रम्स आर अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई इट। 4 अंडे फटे हुए, इसमें हमने कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने, क्योंकि हम मैदे और पैनको में सारे मसाले डालेंगे। मैदे में आपने 1 teaspoon नमक, ब्लैक पेपर डाल के इसको फेंट लेना है। फेंटना इसलिए है ताकि ये अच्छी तरह से प्रोपोर्शनली मिक्स हो जाए। इसके साथ ही आपने पैनको ब्रेड क्रम्स में डालने हैं पेपरिका पाउडर 1 teaspoon, सॉल्ट एंड वाइट पेपर पाउडर। ये आपने एज पर टेस्ट डालना है। सॉल्ट हम इसमें मैदे में और पैनको ब्रेड क्रम्स में डालने सिर्फ, और अंडे में बिल्कुल नहीं डालेंगे ताकि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ना हो जाए और बहुत कम भी ना हो। तो हमने दोनों बैटर में प्रोपोर्शनेटली सॉल्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको भी आप विस्क कर लें ताकि सारे स्पाइसेस सही तरह से इसमें मिल जाएं, और उसके बाद हम अपनी चिकन स्ट्रिप्स को कोट करेंगे। चिकन स्ट्रिप्स की कोटिंग के लिए इसको पहले अंडे में डिप करें, फिर मैदे में करें, और फिर से इसको अंडे में डिप करके आपने पैन को ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। अच्छा, पैन को ब्रेड क्रम्स आर वेरी क्रिस्पी। इससे जो आप चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे वो इतनी क्रिस्पी होगी जो आप घर के ब्रेड क्रम्स से बनाते हैं, या अदरवाइज़ जो बॉक्स रेगुलर ब्रेड क्रम्स हैं उससे इतनी क्रिस्पी नहीं बनती। पैनको इज़ बेसिकली अ वाइट ब्रेड दैट इज़ प्रोसेस्ड इनटू फ्लेक्स और फिर उसको ड्राई किया जाता है। सो ये बना ही इसलिए जाती है कि आप क्रंचियर एंड लाइटर फ्राइड चिकन बना सकें। और मज़े की बात यह है कि पैनको से बने हुई फ्राइड चिकन ज़्यादा ऑयल भी एब्जॉर्ब नहीं करती, सो इट इज़ हेल्दी इन दैट सेंस। इस पर आप थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल करें और इसको कंबाइन करके बेशक रेफ्रिजरेट कर दें, यू कैन फ्रीज इट एंड यू कैन ऑल्सो फ्राई इट देर एंड देन, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप आधे घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेट कर देंगे तो रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आएंगे। ये हमारी सारी चिकन स्ट्रिप्स अच्छी तरह से कोट हो गई हैं, आप देख सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू पुट इट इन द फ्रीजर, कज मैं एक दिन बाद इसको फ्राई करूँगी। फॉर हाई टीज, फॉर गेट टुगेदर्स, फॉर किड स्नैक्स, इज अ वेरी गुड स्नैक। आप इसको फ्रीज करके रख लें। जब आपको फ्राई करना हो तो ऑयल को थोड़ी देर तक पहले से गर्म कर लें, लेट्स से अबाउट 5 to 6 minutes तेज़ आँच पर। उसके बाद फ्राई करने के लिए इसको मीडियम से तेज़ आँच पर फ्राई करें। हमारे चिकन स्ट्रिप्स बहुत मोटी नहीं थी, पतली ही थी, लेकिन हमने उनको वेल डन भी करना है और जलाना भी नहीं है। जब भी ब्राउन कलर की फ्राई हो जाए, इसमें कोई 5 से 6 मिनट लगेंगे, क्योंकि पैन को ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करता। ये क्रिस्पी चिकन जल्दी से आपकी बन जाएगी। इसको आप निकाल लें, इंजॉय इट विद द सॉस ऑफ योर लाइकिंग। मैं इसको हनी मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करती हूँ, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है। उसमें टर्मेरिक, मस्टर्ड, एवरीथिंग इज़ वेरी हेल्दी। इफ़ यू लाइक दिस रेसिपी, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।